गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी प्लस टू क्लास का स्वागत है। मैं आज आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि ए बी आर पार्टनर ने फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशो 3:2, सी एडमिट 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द फर्म, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 हिस्से के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। सी गेट, अगर जो नया पार्टनर आया है, सी है जिसका नाम, वो ए और बी से इक्वली लेता है। सी पार्टनर उसका ए और बी से 2:1 में लेता है, और सी है वो सिर्फ सारा हिस्सा ए से लेता है, सी सारा हिस्सा बी से लेता है, और सी 3/20 ए से लेता है और 1/20 बी से लेता है। तो कैसे न्यूमेरिकल निकालेंगे, जैसे इस द सी गेट इक्वली, अगर दोनों से वो बराबरी लेता है तो कैसे कितना करेंगे। हम क्या करते हैं, सी का जो शेयर है, सी का शेयर 1/5 है, दोनों से बराबर लेगा। शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए, ए से कितना लेगा 1/10 लेगा, और बी से 1/10 लेगा, यानी 1/5 को वो ए और बी से बराबर लेता है। तो 1/10 और 1/10 डिसाइड करेंगे। उसके बाद ए का न्यू शेयर क्या होगा, ए का न्यू जो ए का शेयर था वो आपने पता है, ए का शेयर 3:2 था, यानी 3/5 ए का था, 2/5 बी का था। अब क्या करेंगे, 3/5 में से 1/10 घटा देंगे, 2/5 में से 1/10 घटा देंगे। इस तरह से ए का 1/5 बच गया और बी का भी 3/10 बच गया, यानी ए का 5/10 और बी का 3/10। सी का शेयर 1/5 है, तो इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:3:2 है। आगे अगर मान लिया ए और बी से वो 2:1 में लेता है, यानी 2/3 और 1/3 में लेता है, तो यानी उसका टोटल शेयर 1/5 था, यानी 1/5 का 2/3 हिस्सा वो ए से लेगा और 1/5 का 1/3 वो बी से लेगा। इसका मतलब 2/15 लेगा वो ए से और 1/15 लेगा वो बी से। अब ये शेयर हम ए और बी के शेयर में से लेस कर देंगे। जैसे ए का शेयर आपने 3/5 है, बी का 2/5 है, इनमें से शेयर लेस कर देंगे जो उसने लिया है। इनका 7/15 और 5/15 रह जाता है। तो इस प्रकार से सी का शेयर 1/5 है और इनका तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाता है। अगर सी सिर्फ ए से हिस्सा लेता है, सी का हिस्सा 1/5 है और ए का हिस्सा 3/5 है, तो 3/5 में से ही हम 1/5 लेस करेंगे, तो 2/5 और बी का शेयर में कोई चेंज नहीं होगा, 2/5 ही रहेगा और सी का शेयर 1/5। इस तरह से ये निकालने हैं, उनका न्यू रिजल्ट 2:2:1 हो जाएगा। उसके बाद सी अगर बी से लेता है तो 1/5 सिर्फ बी के हिस्से में से ही लेस होगा, तो ए का हिस्सा सेम रहेगा, बी का हिस्सा 1/5 रह जाएगा, सी का हिस्सा, इनका नया रेशो 1:1:1 हो जाएगा। अगर वो 3/20 लेता है ए से और 1/20 लेता है बी से, ए का हिस्सा 3/10 है तो उसमें से 3/20 घटा देंगे, बी का हिस्सा 2/5 है, 1/20 उससे लेना वो घटा देंगे, तो इस हिसाब से उनका रेशो निकाला जाता है। यानी वो ये इस तरह के न्यूमेरिकल है कि वो उससे कितना शेयर लेता है। आगे जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये देखते हैं, जैसे कि अरुण भावना एंड चेतन आर पार्टनर फर्म, वो 3:2:3 के पार्टनर है, उन्होंने क्या किया, दे एडमिट धवन, धवन को नया पार्टनर शामिल किया है, अरुण सेंडर 1/3 ऑफ शेयर, यानी क्या करता है, अरुण अपने हिस्से का, यानी ये अपने हिस्से का, यानी अरुण अपने हिस्से का 1/3 हिस्सा देता है धवन को, और भावना अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा देती है धवन को, और जो चेतन है अपने हिस्से का 1/5, जो उनका हिस्सा है ना उसका 1/5 दिया गया। जैसे अरुण का जो हिस्सा है, जैसे कि इसमें बताया गया 3:2:5, यानी अरुण का हिस्सा कितना हुआ 3/8, भावना कितना हुआ 2/8 और चेतना का कितना हुआ 3/8, यानी 1/3, 2/8 और 3/8, ये अपने हिस्से का देता है, अरुण देता है 1/3, तो 3/8 को 1/3 से गुणा कर देंगे, और उसके बाद है ये भूषण देता है 1/4, तो 1/4 से गुणा कर देंगे, ये कर दिया ना 1/8 से 1/4 से, और वो दूसरी थर्ड लेता है 1/5, तो 1/5 से ये हिस्सा आ जाएगा, इतना हिस्सा त्याग के इन तीनों को जोड़ लेंगे, जैसे 1/8, 1/16, 3/16, इन तीनों को जोड़ेंगे, ये जो तीनों को जोड़ेंगे वो हिस्सा बनता है सी का। अब मान लिया 1/8 दे दिया अरुण ने, तो अरुण का हिस्सा कितना 3/8 है, इसमें से घटा देंगे 2/8 रहेगा। उसके बाद भूषण का 2/8 है, उसने 1/16 दे दिया, ये लेस कर देंगे तो उसके पास 3/16 रह जाता है। उसी प्रकार से जैसे क्या करेंगे, अब मान लिया
3/16 उसने दे दिया, 3/8 था उसका बराबर 40 बचिया। इस तरह से जो हिस्सा उसने लिया है 21/80 हो जाता है दवन का, और सबका हिस्सा हो जाएगा इतना। इस तरह से ये न्यूमेरिकल निकालने हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जैसे कि एक मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, बड़ा ही इजी टाइप का सवाल है। जैसे इसके अंदर क्या है, वर्मा ए बी सी पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो है 5:3:2, देयर एडमिट डी, उन्होंने डी को शामिल किया है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:2:2:3, यानी इनका ओल्ड रेशो भी दे रखा है और न्यू रेशो भी दे रखा है। अब क्या करेंगे, अगर हम ओल्ड में से न्यू लेस कर देंगे तो इनके पास सैक्रीफाई आ जाएगा। सैक्रीफाई का फार्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रीफाई ए ने कितना सैक्रीफाई, ए का हिस्सा कितना था 5/10, बी का कितना 3/10, सी का कितना है 2/10, ये तो पुराना है। नया ए का हिस्सा कितना आएगा 3/10, बी का 2/10, सी का 2/10, और जो नया पार्टनर हमारे पास डी है उसका 3/10। अब क्या 5/10 में से 3/10 घटा दिया 2/10 बच गया, उसी प्रकार से 3/10 में से 2/10 घटा दिया तो 1/10 बच गया, उसी प्रकार 2/10 में से 2/10, इसका मतलब सी ने सारा हिस्सा ही दे दिया, सी के पास अब कुछ नहीं रहेगा। और जो सी का हिस्सा था वो किसने ले लिया, डी ने, और ठीक है। तो इस तरह से जो इनका रेशो है क्या, वो 2:1 हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से ओल्ड मशीन निकालेगा। ये न्यूमेरिकल आपने कॉपी में जो बचते हैं वो कल करके लेके आने हैं, इतना ही।